नेक्स्ट आइटम मैंने लगवाई सुशी। तो यूरोपियन आइटम मैंने लगवाया चिकन रुमाली रैप, चीजी फोंड विद ब्रेड कॉटन बुसाटा, ये है यहाँ पे चीजी नाचोस। और यहाँ पे मैंने लगवाया क्रिस्पी चिकन बर्गर, ड्रिंक्स में मैंने लगवाया सनसेट मॉकटेल और साथ में है ब्राउनी फ्रैपे। ये एरिया देखा, हमने कहा ये व्यू जो आप देख रहे हैं व्यू, ये दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये व्यू। तो इस व्यू की वजह से हमने कैफे स्टार्ट करा, जो हमारा सिग्नेचर कैफे नाम है, हमारा सेम नाम है सिग्नेचर ब्रिज से, हमने उनका नाम लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इंडियट मीनिया। मैं गुलशन चौहान आज आ गया हूँ सिग्नेचर कैफे मजनू का टीला में। और ये कैफे दिल्ली में फेमस है अपने कॉन्टिनेंटल फूड के लिए। तो चलिए चलते हैं इनके कुछ फेमस फूड आइटम्स की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये एक दिस होल प्रॉपर्टी गेस्ट हाउस है, एक वी हैव रूम्स आल्सो, देन नीचे हमारा एक सुमो रेस्टोरेंट है। ये जो ऊपर देख रहे हैं एरिया देख रहे हैं, ये खाली था पहले, कुछ नहीं बनने वाला था इधर। हमने ये एरिया देखा, हमने कहा कि ये व्यू जो आप देख रहे हैं व्यू, ये दिल्ली में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये व्यू। तो इस व्यू की वजह से हमने कैफे स्टार्ट करा, जो हमारा सिग्नेचर कैफे नाम है, हमारा सेम नाम है सिग्नेचर ब्रिज से, हमने उनका नाम लिया है। तो उसकी वजह हम यूनिक हो गए अलग ही। तो जैसे मैंने बताया था खाने में, वी हैव ओपन अ कैफे 8 AM till 10 PM, सो फ्रॉम नाउ 8 से 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक वी हैव ब्रेकफास्ट मेन्यू। हमारे ब्रेकफास्ट मेन्यू में वी हैव ट्रेडिशनल यूरोपियन डिशेस, बट वी सिंस यू एंड मजनू टेला यू वुड वांट सम हिमालयन ब्रेकफास्ट, सो वी आल्सो हैव ट्रेडिशनल टिबेटन ब्रेकफास्ट एज वेल, व्हिच इज मोर लाइक टिबेटन ब्रेड, व्हिच इज द भाले व्हाइट डो का भाले बनता है, एंड देन वी गिव स्क्रैम्बल्ड एग, एंड देन वी गिव टिबेटन पोटैटोस, आलू, ट्रेडिशनल हमारा सॉस बनता है टिबेटन सॉस में, तो वी हैव दैट आल्सो। एंड देन यूरोपियन में अगर देखेंगे ब्रेकफास्ट में, वी हैव एग फ्लोरेंटाइन, एग बेनेडिक्ट, एंड देन वी हैव सेट मेन्यू ऑफ ब्रेकफास्ट। तो फ्लोरेंटाइन और बेनेडिक्ट बहुत ही ट्रेडिशनल यूरोपियन ब्रेकफास्ट है, जो यूरोप के लोग खाते हैं, वो सेम टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एशियन में वी हैव सुशी, डिमसम एंड बाउस। बाउस आर बेसिकली फ्लफी सैंडविच, जो हमारे जो पॉपुलर डिशेज है, फोंड्यू होता है, चीज़ फोंड्यू, व्हिच इज अ फुल बकेट ऑफ चीज डिप विद पोटैटोस और ब्रेड, एंड देन हमारे बर्गर्स भी हैं, ट्रेडिशनल बर्गर्स भी हैव, जिसमें हम ऊपर से चीज सॉस डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं चीज सॉस। देन वी हैव रैप्स, देन वी हैव ब्रुशेटा, ट्रेडिशनल यूरोपियन स्नैक्स, फिंगर फूड्स, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैन कम टुगेदर, शेयर द फूड एज वेल। सर टाइमिंग हमारा होता है 8 o'clock इन द मॉर्निंग वी ओपन, सो एड्रेस इज 15A न्यू अरुणा नगर। बेसिकली फेमस मजनू टेला है, मजनू टेला दिल्ली में बहुत पॉपुलर जगह है, तो उस मार्केट के अंदर है। गेस्ट हाउस हमारा है वॉन्गडन हाउस, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको विधानसभा मेट्रो स्टेशन। तो शेफ हम क्या बनाने जा रहे हैं? ये पुशट्टा बनाने जा रहे हैं, ये हमारा गार्लिक ब्रेड है, चेरी टमाटो, इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक ऑलिव डालें। तो ये आ गया ब्लैक ऑलिव, ये हमारा एक साल्सा है, थोड़ी लेयरिंग करेंगे इसके ऊपर, के ऊपर हम लेयरिंग करेंगे। हमें ध्यान रखना कि जितना हमारा मटेरियल सब इसमें अच्छे से आ जाए। ठीक, तो शेफ अभी क्या बनाने जा रहे हैं? चीज़ फोंडू बनाने जा रहे हैं, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड की स्विस रीजन से बिलोंग करती है। इसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड टोस्ट हम काट के रखेंगे, ठीक है। स्वीट चीज़ है ये, बहुत महंगा होता है, वहीं से आता है ये। हाँ जी, अब चीज़ डालने से ये ब्लैक ना हो जाए, हल्का सा इसमें हम स्टॉक डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा क्रीम ऐड करेंगे। ये हमारा सर्वर है, इसके अंदर, इसको कैकलॉन बोलते हैं फ्रेंच में, इसको हमें वार्म करना है थोड़ा। ठीक, ये हमारा ब्रेड भी रेडी हो गया है, तो हल्का सा हम ये क्रिस्पी हो गया तो ऑलिव ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। ये हमारा ब्रेड कॉटन, तो ये बकेट में लगते जाएगा। हाँ जी, ब्रेड कॉटन हमारा ये रेडी हो गया है, ये इस कंसिस्टेंसी में पहुँचना चाहिए, और ये 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। क्रिस्पी चिकन बर्गर है, ये इसके अंदर चिकन मिंस है और ढेर सारा चीज़ है, और फ्लेवर के लिए इसमें सॉल्ट, पेपर, नटमेग डाला हुआ है। ये हमारे पास पोटैटो फ्लेक्स है। अब इसको कितने ट्राई करेंगे? इसे 3 से 4 मिनट में ये ऑलमोस्ट हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा अपना आप। इस पर हम बटर लगाएंगे, हमारा गेट नेट हो गया। उसके बाद हम इसको बंद किया हमने, एक चीज सॉस हमारा बना हुआ है।
तो अगर आप भी दिल्ली में रहते हो और कुछ बढ़िया सा कॉन्टिनेंटल और एशियन फूड ट्राई करना चाहते हो तो आप सिग्नेचर कैफे में आकर यहाँ पे फूड टेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या लगवाया। तो एशियन मैंने लगवाया क्रीमी गार्लिक डिमसम, नेक्स्ट आइटम मैंने लगवाई सुशी, तो यूरोपियन आइटम मैंने लगवाया चिकन रुमाली रैप विद सोलांटो क्रीम एंड पोटैटो वेजी, तो नेक्स्ट आइटम मैंने लगवाई है चीजी फोंडू विद ब्रेड कॉटन, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लगवाया बुसाटा, ये है यहाँ पे चीजी नाचोस, और यहाँ पे मैंने लगवाया क्रिस्पी चिकन बर्गर, ड्रिंक्स में मैंने लगवाया सनसेट मॉकटेल और साथ में है ब्राउनी फैपे। मैं अपना कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा बुसाटा। तो ये इनका गार्लिक ब्रेड रहता है, थोड़ा क्रंची सा रहता है, उसके ऊपर ये टोमेटो डालते हैं, काफी सारे ऑनियन डालते हैं, काफी सारी चीजें होती है जो कि थोड़ा टैंगी फ्लेवर देती है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो ब्रेड थी काफ़ी क्रिस्पी थी, ऊपर से जो इन्होंने टोमेटो डाले थे, सॉसेस डाले हुए हैं, वेजिस डाली हुई है, तो ये काफ़ी टैंगी है। अगर आप खट्टा मीठा खाना पसंद करते हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा इनके नाचोस, तो ये इनके चीज़ी नाचोस, और चीज़ देख सकते हो कितने ऊपर से बढ़िया से डाली हुई है इन्होंने, ऊपर से धनिया डाला हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो एकदम बढ़िया से चीज़ी नाचोस बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे कि आपको नॉर्मल हर कैफे में चीज़ी नाचोस मिल जाएंगे, एकदम वैसा ही टेस्ट है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं इनकी सनसेट मॉकटेल के साथ, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट आइटम मैं ट्राई करने जा रहा हूँ चिकन रुमाली रैप, ये भी यूरोपियन आइटम है, इसमें इन्होंने चिकन के ब्रेस्ट के पीस डाले हुए हैं, थाई के पीस डाले हुए हैं, साथ में काफ़ी सारी सॉसेस डाली हुई है, और इसको मैं ट्राई करूँगा सोलांतो क्रीम के साथ। तो चिकन रोल तो आपने बहुत ही जगह खाए होंगे, बट इनका जो चिकन रोल है वो ग्रिल किए हुए थे, तो जो इनकी सोलांतो क्रीम है उसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये इंडिया इट मेरी तरह से हाईली रिकमेंडेड है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ वेज क्रीमी गार्लिक डिम, तो ये देखो तो कितने बढ़िया से क्रीम डाली ऊपर से, गार्निश बहुत ही अच्छा किया है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप दिल्ली में मोमोज खा रहे हो तो वो तो बेस्ट मिलेंगे आपको, बट इसमें जो खास बात है जो इन्होंने क्रीम डाली है बहुत ही स्पेशल है, और साथ में गार्लिक का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इनके डिमसम जरूर टेस्ट कीजिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ चीज़ फोंडू विद ब्रेड कॉटन, तो मैं ब्रेड को ले लूँगा उसके अंदर डिप करूँगा। तो अगर आप भी सिग्नेचर रेस्टोरेंट में आ रहे हो तो इनका चीज़ फोंडू विद ब्रेड टेस्ट कर सकते हो। इनका जो ब्रेड रहता है काफ़ी क्रिस्पी रहता है, और ये जो इनकी चीज़ रहती है स्विट्जरलैंड वाली चीज़ रहती है, नॉर्मल चीज़ नहीं रहती है, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट रहता है, आपको किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाला। तो आप भी सिग्नेचर कैफे विजिट कर रहे हो तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छी आइटम है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ क्रिस्पी चिकन बर्गर, तो देखो तो कितना बढ़िया इनका कॉन्सेप्ट है, ऊपर से इन्होंने चीज़ का इंजेक्शन रखा हुआ है, नीचे जो टिक्की है चिकन की रहती है, और इसको अच्छे से इन्होंने फ्राई किया हुआ टिक्की को, तो हम इसमें चीज़ इंजेक्ट करेंगे। ये इनका क्रिस्पी चिकन बर्गर, चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको भी बर्गर पसंद है तो यहाँ पे आके इनका ये क्रिस्पी चिकन बर्गर टेस्ट कर सकते हो, एकदम फुल्ली ओवरलोडेड रहता है चीज़ से, चिकन की बड़ी सी टिक्की रहती है। तो अगर आप भी बढ़िया से बर्गर खाना चाहते हो तो यहाँ पे आके इसको टेस्ट कर सकते हो। तो लास्ट आइटम मैं ट्राई करने जा रहा हूँ डबल प्रॉन सुशी, तो इसके अंदर जो प्रॉन्स रहते हैं वो डबल लेयरिंग रहती है, एक तो इसके अंदर रहते हैं और ऊपर से भी इसके प्रॉन्स डालते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप भी मेरी तरह ये बढ़िया सी कॉन्टिनेंटल आइटम टेस्ट करना चाहते हो तो सिग्नेचर कैफे में आके आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं इन सारी आइटम्स को अपनी टीम से जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।